SBS News, सच का साथी। लखनऊ के वालागंज में प्रतिबंध पॉलिथीन के खिलाफ अभियान के दौरान हुई मारपीट, अवैधी वसूली को लेकर लगाए गए आरोप, नगर निगम के कुछ अधिकारियों को किया गया निलंबित, भाजपा नेताओं की शिकायत पर हुई कार्रवाई, नगर आयुक्त इंद्रमणि ने शासन से मिले निर्देश अनुसार की कार्रवाई, नगर निगम कर्मचारी यूनियन की दबंगई आई सामने, कर्मचारी यूनियन का फायदा उठाकर अधिकारियों कार्रवाई करने में उठाया सवाल। मांगे कोई नहीं है, दिनांक 22 सितंबर को हमारे तीन कर्मचारी, जिसमें एक अधिकारी है हमारे चंद्रशेखर यादव और एक हमारे अवधेश पांडे जी और एक हमारे निरीक्षक हैं कर निरीक्षक श्रेणी एक, ये लोग मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रतिबंधित हमारे प्रदेश सरकार है उसने पॉलिथीन के ऊपर पूर्णतः बैन लगा दिया है, तो उस बैन का कार्य भी नगर निगम के ऊपर थोपते हुए राज्य सरकार ने ये कार्य भी नगर निगम के ऊपर थोप दिया, जबकि ये कार्य जो है ये हमारा कार्य नहीं है, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्य है और ये पोल्यूशन बोर्ड को करना चाहिए, मगर तब भी चूंकि ये देश हित समाज हित का कार्य है तो नगर निगम ने इसको भी अंगीकृत करके पॉलिथीन के प्रतिबंध को पूर्णतः लागू करने के लिए, चालान करने के लिए जब दुकानों पर गए तो दुकानदारों ने हमारे कर्मचारियों से वसूली के समय मारपीट करी, अभद्रता करी और उसके बाद हमारे एक कर्मचारी को बहुत ज़्यादा मारा, मारने के उपरांत उसने कर्मचारी ने विभाग की ओर से भी FIR दर्ज करी गई, प्रथम सूचना दर्ज करी गई और उसके उपरांत उसमें से एक गिरफ्तारी भी हुई और उसका वीडियो भी बनाया गया, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि कर्मचारी पैसे लेने के बाद रसीद दे रहा है, परंतु माननीय मंत्री जी ने सिर्फ पैसे लेना तो देखा, रसीद देना नहीं देखा और अपना तुगलकी फरमान जारी करते हुए हमारे तीन कर्मचारियों के निलंबन का आदेश किया है, जिसमें हमारे कर निरीक्षक जी हैं, कर अधीक्षक चंद्रशेखर यादव जी हैं, अवधेश पांडे जी हैं, तो हमारी ये मांग है कि न्याय होना चाहिए, यदि जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए और वर्तमान में यदि आप देखेंगे और आप हमारी FIR देखेंगे और वीडियो क्लिप देखेंगे तो दोनों में आपको सत्यता अपने आप स्पष्ट नजर आ जाएगी कि हमारे कर्मचारियों द्वारा जो पैसा लिया गया है उसकी रसीद दी गई है। अगर आपकी ये मांगे नहीं पूरी हो तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इस देश में मुझको मालूम है कि हमारे देश में न्याय हमेशा सत्य की जीत होती है और माननीय मंत्री जी को भी गुमराह किया गया है और जहाँ तक मुझको उम्मीद है रणनीति यही रहेगी कि सत्य के खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे जिस हद तक जाना पड़े हमारे नगर निगम के कर्मचारी जाएंगे, हम सत्य और सत्य को लेकर के सत्य हासिल करके ही रहेंगे और न्याय हासिल करके ही रहेंगे। मैं महामंत्री नगर निगम जलकल कर्मचारी संघ और प्रांतीय प्रवक्ता उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ कैसर रजा। ये मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है, मैं जून 6 में कर अधीक्षक पद पर तैनात हूँ। माननीय नगर आयुक्त जी के आदेश के क्रम में हम लोग प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान चलाए हुए थे और कैंबल रोड जो ठाकुरगंज में आता है तो उस पर हम लोग सबसे पहले 4-5 ठेलों वालों से 200 रुपए की चालान काटने के बाद जब इस जूस कार्नर की दुकान पर पहुँचे तो ये पैसा देने से, पहले तो कहा मेरे पास पन्नी नहीं है, पन्नी जब वहाँ ढूंढी गई तो पन्नी मिल गई, उसी में इनसे कुछ कहा सुनी हो गई तो लोग और उसमें जुटने लगे, जुर्माना बगैर दिए जो है नहीं कटेगा, तो उसने फिर कहा कि अच्छा ठीक है जुर्माना, हम लोग कहे अच्छा ऑफिस आ करके दो, वो ऑफिस आने के लिए हम लोग गाड़ी में बैठे थे, युवक नहीं जुर्माना काट दीजिए यहीं दे रहे हैं, तो भाई अच्छा दे दो, तो ये बैठे बैठे फिर उसका जो है जुर्माना काटा गया, ये सब रसीदें हैं पूरी उसकी बकायदे पर, हाँ और रसीदों की पूरी CD बकायदे स्लो मोशन में है सारी सब चीज़ों की, रसीद देते हुए उसकी CD भी है, और उसके बाद वो लोगों ने ये कहा कि अच्छा ठीक है चालान काटने का आपको अधिकार है लेकिन मारने का कोई अधिकार नहीं, जबकि किसी ने मारा पीटा नहीं था, ये पर हैं इनकी उम्र मारने पीटने की नहीं है, ये हो सकता है कोई छीना झपटी में किसी को थोड़ा बहुत कुछ उस कर्मचारी वो जो था उस पर दुकान पर जूस पर, लेकिन कोई मारा पीटा नहीं था, कहा आपको मारने का हक नहीं, ये करके इनको गाड़ी से खींच लिए, खींच करके फिर बहुत बुरी तरह से मारा और वो भी वीडियो वायरल ही है, क्योंकि हम लोग तो गाड़ी के अंदर थे, हम लोग तो इतने डरे सहमे थे, कोई ना वीडियो बना पाया ना कोई एक भी जो है उसमें कोई फोटोग्राफ ले पाया घबराहट में, बल्कि और सब प्रेस वोस वाले थे मांग रहे थे, इनका कपड़ा वपड़ा सब फाड़ डाले थे, लेकिन हम वापस लो, वापस लो, गलत नियम मत, वापस लो, वापस लो, वापस लो।